तर इथे दोन हिंदू एकमेकांसोबत भिडल्याचं पाहायला मिळालं. तिकडे राहुल गांधींनी मात्र सत्ताधारी हिंदूच नाहीत, भाजप हिंसा पसरवत आहे असं विधान केलं, त्यामुळे तिथेही प्रचंड गोंधळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. तुम्ही स्वतःला हिंदू म्हणवता, मग हिंदू हिंसा कशी करू शकतो असा सवाल राहुल गांधींनी विचारलाय. लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरू होती आणि त्यावेळी संविधानाच्या मुद्द्यावरून राहुल गांधी आक्रमक झाले. गांधींच्या विधानानंतर सत्ताधारीही चांगलेच संतापले, त्यांनी देखील संसदेत गोंधळ झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. सर मना है तो रख देता हूं. नो, एक मिनट प्लीज. आपने सवाल उठाया हिंसा नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा नफरत फैलाई. कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है? आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्त धून करना, सारे नियम इनके इनको लागू नहीं होते हैं. नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब. सदन इस तरह से नहीं चल सकता है. लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए.